गाइस यहाँ का मेरा सपना था, बहुत बड़ा सपना था काली पटरी पे आना। तो अभी मैं काली पटरी के ऊपर बैठा हूँ, आप देख सकते हो। हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी डरावनी होने वाली है। मेरा नाम है आसिफ सिद्दीकी और आज हम 100 प्लेस जा रहे हैं, जिसका नाम है काली पटरी। मैं लाइफ में दूसरी बार जा रहा हूँ उस जगह पे। एक बार पहली बार गया था, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, शायद हो या डिलीट कर दिया, याद नहीं। तो मैं अभी दूसरी बार जा रहा हूँ। काली पटरी जगह का नाम है, काफ़ी डरावनी है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगा वहाँ की, काफ़ी डरावनी। मैं आज दूसरी बार लाइफ में जा रहा हूँ, सही बताऊँ तो दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ एक जन और है। और वो जगह सही में काफ़ी ख़तरनाक है। तो मैं आपको एक एक जगह दिखाऊंगा पूरी। चलते देखते वहाँ से आए हैं, वहाँ से। और अभी हम यहाँ, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रोड बंद है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा हमेशा बंद रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ अंदर से जा रहे हैं, खुफिया रास्ता है। हम लोग अंदर, काफ़ी अंदर जाएंगे, बहुत अंदर है रास्ता। तो मैं लाइफ में दूसरी बार जा रहा हूँ इस जगह पर। देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरा जंगल है, रास्ता ही नहीं है। हम अंदर को पूरा आपको दिखाते हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, अभी देख सकते हो आप, वहाँ से कैसा अंदर, वहाँ से आते आते यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ आगे रास्ता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड कुछ काम होता है, इलीगल या लीगल पता नहीं, उसके बारे में हमें। तो यहाँ पे कुछ काम होता है, तो हम लोग यहाँ पर आगे एकदम खाड़ी है, जंगल पूरा। जाए या ना जाए आगे समझ में नहीं आ रहा है। आगे वैसे पता नहीं, ये तो पूरा गटर दिख रहा है यहाँ से, लेकिन अंदर क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं है। रास्ता नहीं है, जाएँ भी तो कैसे जाए, सोच रहे हैं हम लोग इसके ऊपर से जाए। लेकिन ऊपर से जाएंगे तो किसी ने देख लिया ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन। लोग आ चुके हैं अंदर। अब आपने देखा कैसे कैसे आए हम लोगों ने। यहाँ पे मैं, बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े रिस्क हमने कभी जल्दी लिए नहीं। आप देख सकते हो हम वहाँ पीछे से बहुत दूर से आए हैं। और अभी हम लोग को इधर जाना है, इधर हम लोग को उधर आगे भी जाना है, जहाँ तक रास्ता जाएगा वहाँ तक जाएंगे। कहीं भाई दुआ करो ये मेरा व्लॉग लास्ट ना हो, मैं सही सलामत वापस घर पहुंच जाऊँ। चलो गाइस, आगे भी चलते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो और बड़ा भी रिस्क ले सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ में तो बड़ा होता है। चलते आगे गाइस, ओके। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। हाँ तो गाइज़ फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं, जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था, काली पटरी। कि अगर वो नाम बेसर डरावना है। मैं लाइफ में दूसरी बार इस जगह पे आया हूँ और इस जगह तक आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ। देख सकते हो, इसे कहते हैं काली पटरी। एकदम हॉरर प्लेस है, यहाँ पे आना बोले तो बहुत बड़ा ख़तरा है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा जंगल है, सिवाय इसके यहाँ पे सिर्फ यही है, बाकी और कुछ नहीं है। और एक ये क्या है मालूम नहीं, शायद गटर का कुछ है। तो हम इसके ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ का मेरा सपना था, बहुत बड़ा सपना था काली पटरी पे आना। तो अभी मैं काली पटरी के ऊपर बैठा हूँ, आप देख सकते हो। तुम्हारा भाई काली पटरी पे बैठा है इस वक्त। ये काली पटरी देख सकते हो, काफ़ी लंबी है। पीछे जा, देख सकते हो गाइज़ कितनी लंबी काली पटरी है। ये मेरा सपना था, इस जगह पे बैठना, राज करना। आपने आकर देखा, यहाँ का सिर्फ आने का रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई आने के बाद तुमने देखा क्या ना भाई, क्या जगह है। मतलब अगर कैमरा हो ना भाई, सही में फाड़ दे। आप देख सकते हो और भी पट रही है गाइस। ये कैमरामैन जहाँ पे खड़ा है वो भी कम ही जगह है, और आगे भी बहुत लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता है। इसको बोलते हैं काली पटरी। तो गाइस हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। काली पटरी ख़त्म ही नहीं हो रही, हम कब से चले जा रहे हैं। तो किसी और दिन पूरी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी चल के आगे वहाँ से आपने देखा, लेकिन ये काली पटरी ख़त्म नहीं हो रही। काफ़ी अंदर जंगल है, आप देख सकते हो। देख सकते हो पूरा मतलब जंगल अंदर, रोड ही नहीं, रोड इतना झाड़ हो गया कि मतलब रोड ही नहीं दिख रही। काली पटरी का नामो निशानी ख़त्म हो जा रहा है। हम लोग की फट भी रही है, कितना जितना ज़्यादा जंगल बढ़ते जाता है उतनी फटती जाती है। तो हम लोग वापस चलते हैं, नहीं तो भाई लेने के देने ना पड़ जाए कहीं। तो भाई वापस चलते हैं अभी। A few moments later. कुछ ऐसी चीज़ें देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कपल्स भी आते हैं। आप समझ सकते हो क्या चीज़ देखकर वो अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ कुछ देखने मिली है कि यहाँ कपल भी आते हैं, और यहाँ पे ताश के काफ़ी सारे पत्ते पड़े हैं। तो यहाँ लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि आना बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। सॉरी भाई, सही बता रहा हूँ। आते समय आगे हम लोग गए थे, लेकिन आपने देखा ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, इस वजह से हम वापस आ रहे हैं। मुझे लगा कीड़ा है, लेकिन ये शायद कुछ और है। कोई पेड़ है, इमली भी लगता है कोई अच्छी चीज़। पहले मैं कीड़ा समझा था, लेकिन जब इसको भी देखा तो समझ गया ये कोई पेड़ है। यहाँ पे देख सकते हो अजीब अजीब मेरे को खुजली होने लग गई। मेरे को भी एक दो कीड़े मेरे ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन भाई तुम्हारा भाई खतरों से खेलता है भाई। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं नया नया। इस जंगल में मैं दोबारा आऊँगा भाई, मेरे को वापस डर लग रहा है। इस जंगल को मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। अभी हम लोग फाइनली रोड पे पहुँचे गए जहाँ से आना शुरू करे थे। मैं अंदर काफ़ी अनोखी अनोखी चीज़ें थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। फिर भी मैं एक होल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा इधर ज़रा। इस होल में ना सांप रहता है और 100% श्योर है कि इसमें सांप है, लेकिन हाथ तो डाल नहीं सकते क्योंकि कहावत में लिखा है। तो वो रही हमारी रोड जहाँ से हम आए थे। कोई चिल्ला रहा लगता है, Run. हम लोग वहाँ से होते हुए यहाँ सब आ चुके हैं। फाइनली हम लोग इस जगह पे आ गए जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया था। हम लोग वहाँ से आए थे, वहाँ से हम लोग सब पूरा इलाका रहने वाला है। बाकी यहाँ ऐसा रोड है, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ सिर्फ एक जन और आ सकती है रोड पर सिर्फ। हाँ, जहाँ हम लोग गए थे वहाँ कोई नहीं जाता। इस रोड पे सिर्फ बाइक सीखने वाले या फिर कुछ सीखते गाड़ी वाड़ी तो लोग आ सकते। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर वापस। वीडियो ज़्यादा लंबी ना, इसलिए यहीं पे एंड करते हैं।